क्या हाल चाल। नमस्कार। तो फिलहाल मैं उम्मीद स्वागत करता हूँ आप सबका आज के एक नए ब्लॉग के अंदर। तो गाइज आज आपकी 14 मई 2023 और अभी सुबह के बजे 8:30। तो फिलहाल नहा दो के ऑब्वियसली हम लोग रेडी हो चुके होंगे। तो संडे है इसलिए मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ, मतलब संडे के दिन ब्लॉग बनाने का मन करता है मेरा ज़्यादातर, क्योंकि और दिन को टाइम से लगता है थोड़ा बहुत। और अभी फ़ोन कुछ ज़्यादा इसलिए हिल रहा है, दरअसल एक दिक्कत होगी, मैंने एक चप्पल दूसरा पहन लिया था ऊपर आते जल्दी जल्दी में रहा था, नीचे खाना वगैरह तैयार हो चुका है। तो फिलहाल फटाफट कर देते वीडियो स्टार्ट। चलिए इस देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ बिल्कुल ही खतरनाक वाला मौसम हो रहा है, मतलब बादल वगैरह बन चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश वगैरह हो सकती है आज एतवार के दिन। और नीचे देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी खुदाई वगैरह कर दी थी, तो यहाँ पे हमारी फसल उग रही है, वो तो बाद में बताऊँगा आपको क्या है, फसल नहीं सब्जियाँ हैं, दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में नीचे चल के। अभी चलते हैं, चेक इट आउट व्हाट वी हैव गॉट, दिस आर कॉल्ड भिंडीज एंड देयर इज़ अ प्लांट ऑफ राजमा, दैट इज़ माई फेवरेट दाल और अपना पुदीना। फिलहाल फटाफट चप्पल उतारता हूँ यार, पहले यहाँ से पहन लेते हैं, यहाँ से घुसना पड़ेगा, मक्खियाँ इतनी ज़्यादा उड़ रही हैं ना आज। क्या टेन देख सकते हैं आप लोग गाइस, यहाँ पे आज बनी हुई है हमारी चाउमीन और हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे मौसा जी। से हाय मौसा जी, जय श्री राम बोलो। हाय, जय श्री राम बोलो सारे। जय श्री राम। ये जो नहीं बोलते ये सारे बेकार लोग हैं। गाइस आज हम आपको दिखाने जाएंगे, पंजे लड़ेंगे मैं और हमारे मौसा जी के बीच में, आप एक सुकड़े तिल्ले की एक शक्तिमान इंसान के साथ पंजे लड़ाते हुए देखेंगे। यहाँ से खड़ा होकर अच्छी तरह से वीडियो बना दे, अगर वीडियो में 10,000 व्यूज नहीं आए तो तेरे को थप्पड़ पड़ेगी। और तमीज से बनाने बना ले नहीं, फिर जाएगा फिर से हट जाने बना दो। बना दो, राहू बना। 3-2-1 अरे बटन तो ऑन करा नहीं। So guys, अभी दूसरा यहाँ पे योगेश के साथ हो रहे हैं हमारे मौसी जी का पंजा लड़ाई जा रहा है, देखते हैं कि क्या होता है। आज रिजल्ट भी आने वाला है 10th क्लास का, तो देख सकते हैं आप लोग 50 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, सस्ते में रस्ते का माल। तो क्या सोचा है तुम ऐसे जा सकती बात है? आप गाइस ये हार चुका है, अब ये जीत चुका है, तो अब इसका मैच होगा हमारे साथ पहले। हाँ आज पहले फादर सन यहाँ पे पंजा लड़ाएंगे और देखते हैं फिर कौन जीतता है। इसका मतलब गाइस इन सब सबसे ज्यादा पसंद है। अब मैं इनके साथ पंजा लड़के दिखाऊंगा अपनी शक्ति आपको। पकड़ो कैमरा, पकड़ो एक जना, अब मैं दिखाऊंगा अपनी शक्ति। ले पकड़, जो जो जीते रस्ते रस्ते से आओ, पहले तू जीता ना, तू आ जा। अरे देखो दूसरे हाथ का सहारा ले रहे लड़का। अब तो एक हरा देगा इस मैंने, अब दूसरे के एक से हार गया। आज आपको दिखाऊंगा मैं कितना ज्यादा हार सकता हूँ। किसमें है दम? इसमें। अच्छा मैं उल्टी साइड बैठा यार, तब हार रहा था। इतनी देर बंदर गाधा। इसने उठाया था ना, तो उसका हाथ नीचे जाता ही नहीं है, उसका हाथ नीचे जाता ही नहीं है। देखना आप ये वाला हाथ, देखना ये वाला फोकस वाला हाथ। आए प्रे 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 इससे पता चलता है। इधर ये देखो, अंदर देख रहे हो ये देखो और ये देखो, गोलू और यहाँ पे आरसू, यहाँ गोलू दोनों भाई है, दो भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। गाइस इतनी ज्यादा बिजी मेरी जी। चलो एक हाँ सीधे हाथ से चलो, देख सकते हैं आप लोग, ये अंतर दिखाई देगा आपको। बाय बाय लड़ रहे हैं, मुंह देखो कैसा लाल हो गया इसका। यहाँ पे उल्टे हाथ से लड़के देखेंगे कि क्या होने वाला है, और जिनके सीधे हाथ में जोर नहीं उल्टे हाथ से वो क्या ही कर लेंगे।
ये सोच रहा है धरती माता शक्ति देगी, पर धरती माता सिर्फ मेरे को शक्ति देती है। हार गए गाइस फिर आज बाय हाथ से आ जाओ लो पकड़ो सीधे से तो मैं जीत सीधे से तो मैं जीता नहीं उल्टे से तो क्या ही जीतूंगा फिर भी आ जाओ एक बार लो पकड़ वैसे कैमरा पकड़ और बंद मत करा अगर तू कैमरे पिट जाए मेरे साथ आई 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 या ओए क्या क्या हरूंगा अभी मैं इनको दूध बड़ा है तो ऐसे ही हार जा रहे हैं हर बार ये वाह 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 एक भैंस का दूध तो अम्मा ने पिलाया उधर से हंस हाथ लगना ही नहीं होता तो अगर सीधे हाथ से जीत सकते हो उल्टे हाथ से जीत सकते हैं दिखाई तो इसके बाद सब्सक्राइब कर दो आप हमें सच्ची बताइए जोर नहीं लगाया था तूने नहीं लगाया था ना झूठा हमारी सकले क्यों नहीं बनाई सकले ज्यादा अच्छी होगी तुम हिलाएंगे इतना बॉलिंग को सो गाइस आज हम सदियों बाद यहाँ पे कैरम बोर्ड निकाल चुके हैं हमने और हाथ देखो कैसे हो चुके पंजा लड़ने का उल्टे हाथ में बहुत ज्यादा ताकत है बहुत ज्यादा यू नो तो अभी हम लोग खेलेंगे ये कैरम बोर्ड खेलेंगे बहुत ज्यादा दिनों बाद देखते हैं कि क्या रहता है मेन शॉट दिखाऊंगा जा तो क्या यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप लोग वहाँ पे हमारी इतनी गोटे हो चुकी है और इनकी इतनी ज्यादा तो अभी हमारी नजरों में श्रीमती महारानी साहिबा है तो देखते हैं कि ये हमसे जीती जाती हैं कि नहीं अभी सीरियल वाइज तो लगी हुई है पर लगता नहीं है क्योंकि 4 साल बाद गेम उठाई है मैंने तो 100-200 एक बार में जीत लूँ ऐसा हो सकता है कभी कभी जीत गया राजा को रानी से प्यार हो गया अब तो सारी गोटियाँ एक बारी में जाएंगी और ये कोई कट नहीं लग रहा इसके अंदर इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगा यहीं से मैं बात बोलता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे रनिंग कमेंट्री देते हुए उमेश जोशी ने वहाँ पे अपनी गोटियों इतनी से इतनी कर दिया और ये देखो और यहाँ पे हमारी स्टोन में चल रहे फटाफट इनको तो वहाँ पे चीटिंग नहीं करनी कह रहे आप तो मैं जीत गया मेरे को जीतना ही पड़ेगा तूने सर की बारी क्यों काटी सर की बारी उनकी बारी क्यों काटी सर जी ने हमारी 20 गोटियां ले ली कहां ले लिए दिखाई तो मैंने वापस ले ली ना हां तो अब दे 20 गोटियां चीटिंग नहीं करनी यहां पे ठीक है बदतमीज गाइस देख रहे हो तुम कितने चीटिंग की सजा देंगे हम तो
आप गाइस आपको बैक शॉट दिखाऊंगा, मैं सदियों से नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत सालों से नहीं खेली, देखो नहीं लगा ना। सो गाइस अभी मैंने कल वाली कमीज पहनी है, दरअसल इसका कारण ये है, अभी मेरे को जाने बाल वगैरह कटवाने के लिए, बहुत ज्यादा बड़े हो रखे, तो आपको पता है गंदी कमीज ही गंदी करी जाती है, तो इसको गंदी करके मिलते हैं आपसे इस स्लाइड के बाद। कैसे लगे मेरे नए बाल? तो फिलहाल बाल वगैरह हमने कटवा लिए, खाना वगैरह दिन का भी हो चुका, मतलब सुबह मैगी वगैरह सॉरी चाउमीन खा ली थी, तो अभी ज़्यादा भूख वगैरह लगी नहीं थी, तो देखेंगे फिर अभी कुछ ना कुछ करेंगे कारनामे, अभी अंदर भाई वगैरह बैठे हैं, चलते देखते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पे हमारी योगा स्टार्ट हो चुकी है, और ये खड़ा है उल्टा, देखा किसी ने क्लास के अंदर ना, मतलब सॉरी घर के अंदर योगा करते हुए इंसान, बस सदियों पहले हम भी करते थे, देखो इनकी शक्ल से मिलो कैसी इनकी। तो गाइस पता है भाई तू उल्टा पैदा हुआ, उल्टा इंसान है तू, उल्टा होके दिखा रहे हो भी दीवार के सहारे, है हिम्मत यहाँ बीच में खड़े होकर दिखा, आ जाओ भाई। जैसे कि आप सबको पता है आज मदर्स डे, ठीक है, तो हमारी माता जी हमें बताएंगी क्या मैंने सुबह से आपको मदर्स डे हैप्पी मदर्स डे बोला, वहाँ देख के बताओ, जनता जानना चाहती है क्या मैंने आपको मदर्स डे बोला? नहीं बोला। इसका मतलब क्या ये है कि मैं आपका आज्ञाकारी लड़का नहीं हूँ? मैंने बोला ना। अरे आप मेरी तरफ भी देखो, उधर उधर क्या देख रहे हो? हाँ, तो मेरा बहुत आज्ञाकारी देख रहे हो, देख रहे हो, देखा, मदर्स डे एक दिन ही होता, हर रोज होता, ठीक है, मम्मी तुम्हारे लिए एक ही दिन खाना थोड़ी बनाती है या एक ही दिन तुम्हें ज्यादा प्यार करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस अंग्रेजों ने बना दिया हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी ये हैप्पी हो, तुम भी लगा दो स्टेटस पे हैप्पी मदर्स डे, मम्मी फोटो खींचेंगे, हम लोग सेल्फी खींचेंगे, सब जगह डालेंगे, ऐसा करने कोई कोई फायदा होगा उसका? नहीं। एक दिन का क्या क्या चौधरी घर में देखो, ये देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे यार मतलब समझो, सत्यता से जागो। निकलेंगे घर से बाहर फाइनली, और हमने जो खेत में वो लगा रखी थी सब्जियाँ वगैरह, सुबह मैंने जो आपको दिखाई थी, यहाँ तक पहुँच गए होंगे, तो आगे भी दिखा देता हूँ, मैंने काम के लिए बंदे वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा खेत है ना, तो मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है पानी वगैरह देने के लिए, इसलिए मज़दूरों की ज़रूरत पड़ जाती है सिंचाई वगैरह करने के लिए, तो वो भी लगवा रखे हैं, दिखाता हूँ वो खेत, अगर शुरू से पड़े होंगे अभी तक तो पता होगा, दिखा देता हूँ फिर भी एक बार। देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा खेत है, यहाँ पे मैंने मज़दूर लगा रखे हैं पानी वगैरह देने के लिए, अच्छी तरह से कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए। तो गाइस इस सब्जी को कहते हैं उगाऊ, ये पहाड़ में उगती है, मतलब गाँव में कुमाऊँ साइड, मतलब वैसे तो बहुत जगह उगती है, मतलब पहाड़ी साइड में, अबे मेरे को क्यों गीला कर रहा है, तनख्वाह का झाड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है, थोड़ा तमीज से बना ले, इसको मैं गांव से लेके आया था गाइस, इसके बीज और यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे सब्जी पाई नहीं जाती, बस वहाँ पे थी तो वहाँ से बीज ले आया, अब यहाँ पे लगाएंगे इसे आराम से, और ये देखो यहाँ पे बैठा है ये जाहिलों की तरह, ओ भाई हेलो, पाइप टूटना है नीचे, ठीक है, वरना झाड़ी से काट लूँगा पैसे सारे, ये याद रखियो। तो अभी यहाँ पे तो हो चुका है, मतलब इतना सा ही हमने साफ़ किया था, और इसके अंदर ही सिस्टम वगैरह सेट कर रखा है अपना, बढ़िया वाली सब्जी वगैरह हो चुकी है, एक दो दिन में एक सब्जी खाने लायक हो जाएगी, मतलब ये सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने के बाद ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, अभी सामने से रोशनी पड़ रही है, होप्स हो गया आपको मेरी शक्ल अच्छी लग रही हो, थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी धूप पड़ रही है सामने से, देख सकते हैं आप लोग क्या मस्त राजमा, हाँ राजमा भी उग रही है उधर साइड थोड़ी थोड़ी, मतलब मिक्सचर कर रखा हमने, भिंडी भी है, हर चीज़ का मिक्सर इसके अंदर, उगाऊ इस सब्जी का नाम उगाऊ है, प्योर पहाड़ी में अगर हम कहें तो, मतलब हिंदी में भी हो सकता है इसका ऐसे नाम कुछ, पर हमारे साइड इसे उगाऊ कहते हैं। हाँ जी, कमीज की बटन कौन लगाएगा? आर यू जाहिल? यस यस, आर यू जाहिल? आई वॉन्ट टू से यू आर जाहिल, वॉन्टेड, यू आर वॉन्टेड, क्या वॉन्टेड, क्या बांटते हो, चुपचाप होइंग, आई एम गोइंग, वाओ व्हाट अ राइम। हाँ जी, तो फिलहाल अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से घूमने के लिए आगे की तरफ, दरअसल इनको दिखाना है, आप लोगों ने तो देख लिया, तो आपको कैसा लग रहा है नज़ारा देख के आम के बाग का भाई? आपको ये नज़ारा कैसा? राम 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 राम, तो ठीक है, आपको ये नज़ारा कैसा? सब कुशल मंगल होंगे, सब बढ़िया, आप बताइए, और सबको कुशल मंगल होना भी चाहिए। हाँ, इसी बात पे कमेंट में जय श्री राम लिखो, बोलो जय श्री राम, बोलो कमेंट में करो जय श्री राम, कमेंट में करो जी जय श्री राम। कैसा लग रहा है फिर आपको चलते हुए यहाँ पे? बहुत अच्छा, क्या आपके सुंदर जगह है, देखो आम के पेड़ देखिए, आम लटके हुए हैं, बस तोड़ नहीं सकते, सामने माली मारेगा जूते से, वरना आपके गंदे से डेरा बसी के गंदे से इलाकों में ऐसी जगह है, ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ देखा है, यहाँ पे फार्म है मुर्गियों का और यहाँ पे मस्त हरियाली, देखो मतलब कलर ही देख लो, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ ब्लैक, तो गाइस देख सकते हो आप लोग मक्की का खेत है, और ऊपर कितना मस्त नज़ारा आ रहा है सूरज का अस्त होते हुए। हम लोग अभी सामने जाएंगे सड़क की तरफ, हाईवे की तरफ से इधर की ओर घर जाएंगे। एक बात है, मतलब ना वहाँ पे आदत सी हो गई, मतलब बैठने की एक जगह और काम करने की, घर पे ना आलस बहुत ज़्यादा आता है, आज मैं लगभग
तीन चार घंटे तो घर पे भी सोया ही सोया, बताओ इतनी देर कहाँ सोता हूँ, मतलब सोने को मिलता नहीं है और नींद ही आ रही है। मतलब सुबह भी पहले मैं 7:30 बजे के आसपास उठा था कुछ, और फिर दोपहर में 10-12 बजे फिर सो गया था, और अभी उठा था थोड़ी देर पहले, 2 के बजे उठा था, बाल वगैरह कटवाए और फिर ऐसे ही अपनी ऊट पटांग हरकतें करी थोड़ी बहुत ही। अभी जाएंगे थोड़ी देर में घर की तरफ। और देखो सूरज उस साइड है, सूरजमुखी उस साइड है, मेरे हिसाब से ना जहाँ से सूरज उगता है उस साइड को सूरजमुखी का मुंह होता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दो, जिसे पता हो कि सूरजमुखी का मुंह होता किस तरफ है, क्योंकि मैं सुना है जिधर सूरज होता है उस तरफ होता है। ऐसा हो सकता है जिधर को सूरज उदय होता है, मतलब वहाँ पे, वैसे तो उदय होता नहीं पर फिर भी जहाँ से निकलते हैं पूर्व से, तो मेरे हिसाब से पूर्व की साइड होता है इनका फेस और पश्चिम की साइड पीठ, जैसे कि मैक्सिमम की है, क्योंकि कुछ की इधर की तरफ भी टर्न होती है। और यहाँ पे देख लो मस्त छल्ली के पेड़ जी। तो आप बताइए आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बढ़िया, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है घूमने फिरने में। ये देखो जाहिल भी है गाइज यहाँ पे, आपको मैं बता दूँ तो गाइज ये ना मेरे से 4 साल छोटा ही है, और देखो हाइट देख रहे हो इसकी, कोई कह देगा मेरे से 4 साल छोटा, मैं इतना पतला कैसे रह गया समझ में नहीं आ रहा, कम बढ़ गया मेरी किसी मात्र, मतलब 49 की ईच है मेरी, 49 की एज तो ईच मतलब तो लगता कितना हूँ 65। यहाँ पे यहाँ से चलेंगे सड़क होगी, सड़क कैसी लगेंगी नेशनल हाईवे? अच्छी लगेंगी, अच्छी लगेंगी, पार नहीं होएंगी, उधर जाएंगे उधर से घर की ओर मुड़ेंगे, हाँ हाँ इधर होएंगे, इधर होएंगे, सामने लिखेंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ लिखेंगे ऊपर तो चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे, चंडीगढ़ हाँ चंडीगढ़, हाँ पंचकूला, बरवाला, बरवाला उधर होएंगे, हमें वहाँ से उधर मुड़ेंगे, आपको चिड़ियाघर जाना, चिड़ियाघर देखेंगे, चिड़ियाघर के जानवर दिखाएंगे, गोरिल्ला होएंगे, हमारे पास बानर होएंगे, हमारे पास बानर होएंगे, बानर होएंगे, आई एम द दोस्त, हाँ जानवर होएंगे, चिड़ियाघर में रहेंगे, देख रहे हो, देख रहे हो। तो अपनी अभी हमने जो वीडियो बनाएंगे हम वहाँ से आएंगे, हम घर की ओर जाएंगे, पीछे ये लोग भी ING भाषा सीखेंग, एंड यू विल टीचिंग दिस भाषा, दिस भाषा विल गिव यू एवरीथिंग, तो गोइंग होमिंग, हम रोज यहीं पे उतरेंगे, बस यहाँ पे ढीले होइंग, ढिलका होइंग, हम छलांग मारेंगे यहाँ से, आई क्रॉसिंग जाएंगे, हाँ यहाँ से आएंगे, यू आएंगे, वहाँ से आएंगे, हम ऐसे पलटेंगे, बस कहीं अंकल कहीं उतरेंगे, छलांग मारेंगे, मैं ढीला करेंगे, हल्के से छलांग मारेंगे, देख के पीछे गाड़ी आएंगे, नहीं आएंगे, जब नहीं आएंगे तब छलांग मारेंगे, यहाँ से आई क्रॉसिंग, वहाँ से एल, यस यस यस, वहाँ से फिर मकान आ जाएंगे, मकान आ जाएंगे, फिर हम यहाँ छलांग मारेंगे, दौड़िंग दौड़िंग वीडियो बनाएंगे, एंड दौड़िंग 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 दोस्तों से मित्रों से मिलेंगे, मिलेंगे के बाद घर जाएंगे, खाना खाएंगे, हगने के बाद सो जाएंगे, सही, अभी हम घर की ओर जाएंगे, नहीं हाथ के खाएंगे, पेट खाली होगी ना, पचत ना आएंगे, दैट्स व्हाई शरीर में नो लगेंगे फिर खाएंगे, फिर लगेंगे, फिर हगेंगे, खाएंगे, हगेंगे, दो काम माई होएंगे, वीडियो बनाएंगे एंड खाएंगे एंड हगेंगे, हमारा ऐसा ना होएंगे, खाएंगे फिर हगेंगे, फिर खाएंगे, यही हमारा भी काम होएंगे, पर अभी हम व्लॉग के अंदर भी हगेंगे एंड व्लॉग ही आल्सो हगेंगे, व्लॉग में भी हग देंगे तो सब लोग नहीं देखेंगे, फिर हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे, पहले ही नहीं करेंगे, सब्सक्राइबर कम होएंगे, शर्म नहीं आएंगे, आई एम ग्रेट बोलिंग, घर की ओर जाएंगे फिर बात करेंगे, बाय। यहाँ पे खर्चा हो जाएंगे इनका, इनमें खर्चा करेंगे, कहेंगे हम बहुत दिनों बाद आएंगे तो तुम्हें लाहौरी जीरा पिलाएंगे, एंड हम लाहौरी जीरा पी, हाउ आर दिस इज लगिंग टू यू, गुड गुड हुई, कैसा हुई, अच्छा हुई, हमने 5 बोतल खरीदी, वो पी के भाग गई, हम पियेंगे, फ्री में लाहौरी जीरा का प्रमोशन भी हुई, दरअसल बहुत ज्यादा अच्छा हुई, 160 ml हुई पर बहुत ज्यादा टेस्टी हुई है ना, पर न्यू ट्रेंड आई, फ्री में पेट साफ हो जाएंगे, नो हगिंग, तो गुड हुई, यू शुड ऑल्सो ट्राइंग द ओरिजिनल लाहौरी जीरा, आई डोंट नो व्हाट इज दिस बट दिस इज गुड, इज क्वाइट लाइक लाहौरी जीरा, फेंक देंगे, गंदा क्यों करेंगे, सड़क गंदा होएंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, घर में लेके जाएंगे और डस्टबिन में गिरेंगे, बाइक को हदाई जानी, अभी घर की ओर जाएंगे चनी, जय श्री राम, गाइस देखेंगे, नो ज्यादा खाएंगे, गलत होएंगे, सब ब्लॉग देखेंगे, फिर तुम गलत क्यों करेंगे, क्यों खाएंगे, नो खाएंगे, फेंकेंगे, फेंक देंगे।
रहेगी हाथ में होगी फुद्दू बनाएंगे अब हम इसको ब्लॉग में डालेंगे सारे देखेंगे फिर तुम्हारा जर्दा छुड़वाएंगे वाई खाएंगे वाई खाएंगे इट इज नॉट दवाई होइंग इट इज बुरी आदत होइंग बुरी आदत छोड़िंग हाँ फेंकिंग बात नहीं हम वीडियो में डालेंगे फिर तुम्हारा ब्लॉग जर्दा खाना मौसी द्वारा छुटाएंगे लुकिंग क्या होइंग हमने इसके अंदर इसका ढक्कन लगाने के चक्कर में इसका ढक्कन डालेंगे और अंदर ही घुसा देंगे अब इसके अंदर से ढक्कन निकलेंगे ये देखें इसके अंदर घुस जाएंगे ढक्कनिंग गलती से हमारे अब इसको एक हाथ से और यहाँ पे हमारी ढक्कन निकली हमें पानी खाली करना पड़ेंगे अब इसको उठाएंगे और फ्रिज में रख देंगे एमरजेंसी के लिए कॉलेज में पियेंगे बाहर ना जाएंगे क्लास में और पानी पियेंगे कुत्ते लड़के गए इस गली में नॉट नॉट चलिंग सामने देखेंगे लाइटिंग जलिंग ये देखिए ये लाइटिंग जलिंग ये डैगिंग ठीकिंग होइंग इसके द्वारा आहा 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 तो फिलहाल हमारे टैग वगैरह भी चलेंगे और हम जाएंगे हाथ में धोएंगे एंड भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ अपने सभी देवी देवताओं की पूजा करेंगे यू ऑल्सो हैव टू डू पूजा पूजा इज वेरी वेरी पावरफुल तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर होप टू कि आपने आजकल बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा इसी के साथ कर दे वीडियो कैंड सब्सक्राइब वगैरह कर दो हज़ार सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा क्लोज है यार अपना ब्लॉग बनाने का एक बार मन भी नहीं करता तुमने हज़ार सब्सक्राइब नहीं कराया मतलब मेरे मोटिवेशन का भी तो कुछ सोचो यार शेयर वगैरह करते करो कुछ तो करो करते वीडियो कैंड मिलते आपसे किसी ब्लॉग तब तक के लिए जय श्री रामचंद्र शाम आटो याम यही नाम लिए जा खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा।